नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। बेरोजगारी महंगाई के विरोध में 17 से 23 तक प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लंबा ने कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में 17 से 23 अगस्त तक प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही प्रदेश भर के गांवों और शहरों की मंडियों, बाजारों और अन्य स्थानों पर महंगाई पर चौपाल लगाएगी। मंगलवार को राजीव भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए लंबा ने कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में कांग्रेस 28 अगस्त तक को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली करेगी। इसके साथ ही सभी जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एक साथ दिल्ली चलो कार्यक्रम आयोजित करेंगी। एक दशक बाद हिमाचल के भुंतर हवाई अड्डे पर उतरा 42 सीटर विमान, ऐसे हुआ स्वागत। जी, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के किनारे बने भुंतर हवाई अड्डे में एक दशक बाद मंगलवार सुबह 42 सीटर विमान उतरा। हालांकि पहले यह सेवा 15 अगस्त को शुरू होनी थी, लेकिन मौसम खराब रहने की वजह से उड़ान नहीं हो सकी। आपको बता दें कि दिल्ली से भुंतर वया चंडीगढ़ के बीच 42 सीटर हवाई सेवा शुरू होने से सैलानियों के साथ घाटी के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। पहले दिन जहाज में 32 यात्री भुंतर पहुंचे व 17 यात्री वापसी की उड़ान में गए। इसके साथ ही विमान का वाटर सैल्यूट देकर जोरदार स्वागत हुआ। इस विमान ने अभी तक चल रहे एलायंस एयर के 72 सीटर जहाज की जगह ली है। शिमला शहर में थमे निजी बसों के पहिए, यात्री परेशान, विद्यार्थी कर्मचारी पैदल पहुंचे। जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगलवार को लोकल रूटों पर निजी बसों के पहिए आज थमे रहे। प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग की ओर से मांगे न मानने पर निजी बस चालक परिचालक यूनियन एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। ऐसे में सुबह से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। विशेषकर कर्मचारियों, विद्यार्थियों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ी है। लोग पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंचे। शहर के बस स्टैंड में बसों के लिए यात्रियों की भीड़ लगी रही। शिमला में HRTC बसों की संख्या सीमित है, इसके चलते इनमें भी भारी भीड़ रही। नगर निगम शिमला की लैब में अब सस्ती दरों पर 24 तरह के टेस्ट की सुविधा। जो शिमला शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी के माल रोड पर रानी झांसी पार्क में बनी नगर निगम की टेस्ट लैब आखिरकार शुरू हो गई है। शहरवासी अब 24 तरह के टेस्ट सस्ती दरों पर करवा सकते हैं। लोगों को निजी लैब में जाकर टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको बता दें कि नगर निगम प्रशासन के अनुसार सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक लैब में आकर लोग अपने टेस्ट करवा सकते हैं। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे के बाद लैब में ही इनकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। लोगों को सस्ती टेस्ट सुविधा देने के लिए IGMC अस्पताल की तर्ज पर ही रेट तय किए गए हैं। बीते हफ्ते सैंपलिंग लेकर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 3 घंटे नदी के ऊपर झूला पुल पर लटके रहे दो अफसर, विरोध के डर से खुद काट दिया रस्सा। जय, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली के सोलंग में दो किशोर के ब्यास नदी में बहने के बाद मौके का जायजा लेने आए लोक निर्माण विभाग के दो अफसरों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये दोनों इतना डर गए कि खुद ही झूला पुल का रस्सा काट दिया और तीन घंटे तक नदी के ऊपर बने झूला के पुल बीचों बीच लटके रहे। घटना का पता चलते ही SDM मनाली मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वे लोग निर्माण विभाग के बड़े अधिकारी के मौके पर आने की मांग पर अड़े रहे। IAS देवेश कुमार को लगाया नया प्रधान सचिव शिक्षा। जय, हिमाचल प्रदेश में चुनावी साल के दौरान सबसे अधिक कर्मचारियों वाले शिक्षा विभाग में 8 माह के भीतर 5वीं बार प्रधान सचिव शिक्षा की नियुक्ति की गई है। अब IAS देवेश कुमार को प्रधान सचिव शिक्षा नियुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग से प्रधान सचिव शिक्षा के अतिरिक्त कार्यभार वापस लेने की अधिसूचना जारी कर दी है। देवेश कुमार के पास शहरी विकास, TCP और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी भी रहेगी। 1 जनवरी 2022 को डॉक्टर रजनीश को प्रधान सचिव शिक्षा नियुक्त किया गया था। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे मनीष गर्ग को 26 मई 2022 को प्रधान सचिव शिक्षा लगाकर डॉक्टर रजनीश से महकमा वापस लेकर नियुक्ति की गई है। 8 जून 2022 को प्रदेश सरकार ने मनीष गर्ग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया है। हिमाचल में बारिश का कहर, 2 किशोरों समेत 3 की मौत, 92 सड़कें ठप। जय, हिमाचल प्रदेश में रविवार रात सोमवार को बारिश ने कहर मचा दिया। अलग अलग घटनाओं में 2 किशोरों समेत 3 की मौत हो गई है। मनाली से सोलंग गांव को जोड़ने के लिए 4 दिन पहले बनाई अस्थायी पुलिया सोमवार को ब्यास नदी में आई बाढ़ के तेज बहाव में टूटकर बह गई। पुलिया पार कर रहे 2 किशोरों की बहने से मौत हो गई। वहीं रविवार को भारी बारिश से सिरमौर के चूल्ही गांव में एक रिहायशी मकान पर मलबा गिरने से रात को घर में सो रहे मकान मालिक सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी लज्जा देवी और पौत्र परिचित घायल हो गई। 84 परिसर में फ्लड लाइट के लिए खड़ा किया जा रहा है खंबा, बच्ची पर गिरा मौत, भीड़ का हंगामा। जय, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उपमंडल भरमौर स्थित 84 परिसर में मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे फ्लड लाइट के खंभे की चपेट में आने से 13 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई।
जबकि 3 लोग घायल हो गए। मृतिका की पहचान परीक्षा देवी पुत्री हेम सिंह निवासी काहल जुगरसर के रूप में हुई। घायलों की पहचान अंजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश निवासी सरोरा तहसील भद्रवा, आधविक पुत्र अंजीत सिंह निवासी सरोगा तहसील भद्रवा, अमिता पत्नी नरेश निवासी सिरतंगल जिला भद्रवा के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि पड़ोसी राज्य से आए शिव भक्त 84 परिसर में पूजा अर्चना और हवन कर रहे थे, इतने में फ्लड लाइट लगाने के लिए स्थापित किया जा रहा खंभा नीचे गिर गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आएंगे शिमला। जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बुधवार को शिमला पहुंचेंगे। ये दोनों नेता दिल्ली और पंजाब के बाद अब हिमाचल को आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार देने की गारंटी देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने मंगलवार को शिमला में प्रेस सम्मेलन में संबोधित कर कहा कि भाजपा और कांग्रेस नेता सत्ता पर रहते हुए लोगों को गुमराह किया है। चंद्रभागा नदी का बहाव रुका, जोबरंग में बनी झील, 24 परिवारों के खेत और सेब बगीचे डूबे। जे भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के जाहलमा नाले में बाढ़ आ गई। इसके पानी पहाड़ी को काट दिया। इससे बड़ी मात्रा में मालवा आने के कारण चंद्रभागा नदी पर जोबरंग गांव के पास बड़ी झील बन गई। इससे लोग सहम गए। झील के पानी में खेत और सेब के बगीचे जलमग्न हो गए। इससे लगभग 22 परिवारों का भारी नुकसान हुआ है। इस भयानक बाढ़ से जोबरंग जाहलमा और नालडा के 4 हेक्टेयर जमीन कटाव की छत में आ गई है। इससे फसलों को क्षति पहुंची है। हमीरपुर पहुंचे वेटलिफ्टर विकास प्रशंसकों ने सिर आंखों पर बैठाया। जी, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारोत्तोलन स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने वाले विकास ठाकुर अपने गृह जिले हमीरपुर में पहुंचे हैं। लोगों ने विकास ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। विकास ठाकुर भारतीय वायुसेना में वारंट अफसर के पद पर सेवारत हैं। वहीं आपको बता दें कि वो हमीरपुर जिले के टोनी देवी तहसील गाँव के पटनौन के रहने वाले हैं। कांग्रेस के 2 विधायक दिल्ली पहुंचे, सीएम जयराम और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भी बुलाए। जी, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के 2 विधायक नई दिल्ली पहुंच गए हैं। बुधवार तक इनके भाजपा में जाने की चर्चा है। केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सूरज कश्यप को भी मंगलवार को नई दिल्ली बुला लिया है। चर्चा है कि इन दोनों की मौजूदगी में कांग्रेस के 2 विधायकों की भाजपा में शामिल किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह भाजपा का कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका होगा। यह भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष खिमी राम के कांग्रेस में जाने के बाद इसका नहला पर दहला भी होगा। पहले से ही यह चर्चा रही है कि कांग्रेस के कुछ प्रभावी प्रादेशिक नेता भाजपा का दमन थामने जा रही है। मोबाइल पर पबजी गेम खेलते हुए किशोर ने लुटाए 40,000, पुलिस थाने पहुंचा मामला। जी, मोबाइल पर पबजी गेम खेलते हुए हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर के किशोर ने 40,000 रुपये लुटा दिए। पुलिस थाने में मामले की जांच के लिए लिखित शिकायत भी पहुंची है। शहर के निजी स्कूल के छात्र को पबजी गेम खेलना महंगा साबित हुआ है और अब अभिभावक की बेटे इस लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। पुलिस थाने में सौंपी शिकायत के अनुसार किशोर जब पबजी गेम खेल रहा था तभी आमदनी के चक्कर में 40,000 रुपये लुटा दिए। थाना प्रभारी प्रीतम जरियाल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। कोर्ट केस से बचने के लिए चालक ने रचा आत्महत्या का नाटक, पकड़ में आया तो हुआ पर्दाफाश। जब मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल की डेहर उप तहसील के सतलुज पुल पर एक व्यक्ति ने खुद को मृत दिखाने के लिए आत्महत्या का नाटक रचा। व्यक्ति सतलुज पुल पर अपने पर्स, मोबाइल फोन, दस्तावेज व चिट्ठी छोड़ चला गया। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो तलाश में जुट गई, कहीं किसी ने सतलुज में छलांग न लगा दी हो। आपको बता दें कि पुलिस को व्यक्ति बरमाना में मिला। चंबा में बोलेरो व HRTC बस पर गिरे पत्थर, बाल बाल बच्चे सवार। जब चंबा में हो रही आफत भरी बरसात से हर ओर खतरा बन गया है। भूस्खलन व पहाड़ी दरकने के खतरे के कारण पहाड़ की सरपीली व ढलानदार सड़कों पर सफर भी खतरनाक हो गया है। जिला में बारिश के कारण हुए भूस्खलन की चपेट में एक बोलेरो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि उसमें सवार सभी लोग बाल बाल बचे हैं। इसके अलावा रूट पर जा रही HRTC की बस पर पत्थर गिर गया। पत्थर बस का शीशा तोड़कर अंदर पहुंच गया है, लेकिन भाग्य की बात है कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला यहीं खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले, पंचायत और गाँव से और मोहल्ले से देख रहे हैं। थैंक यू।